डेथ हो गई। आप जो 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 वहाँ पे एक्सीडेंट बता रहे हैं, आप बताओ कि ऐसा कैसा भीषण एक्सीडेंट हो गया जिसमें 5 लोग मारे गए, कार में सवार सारे के सारे मारे गए। ये कोई पहाड़ थोड़ा नहीं है कि ढलान से गाड़ी लुढ़क गई और जो है और लोग मारे गए। बिल्कुल मैदान में एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का, और गाड़ी को किसी साजिश के तहत मारा गया है। गाड़ी के साथ कोई ना कोई चीज टकराई है, उसके बाद वो गाड़ी जाके खंबे से टकराई होगी कुछ आदमी। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, एक खंबे से टकरा के 5 आदमी कैसे मर सकते हैं? 5 आदमी उसमें मारे गए, उसमें हमारा सोशल मीडिया का जो हैंडल जो था जिसके हाथ में, जो रोज जो है सरकार पे हमला किया करता था, वो लड़का जो है मारा गया। दूसरा लड़का जो है साथ में जो है जिसने पूरी पंचायत को कंट्रोल किया उसका उसकी मौत हो गई। हम चाहते हैं ये तीनों मौतों की न्यायिक जांच करवाई जाए, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की जाए, और इनके इन तीनों लड़कों को जिसने भी मारा है और टोटलिटी में जिसने ये किया है, पताल से भी ढूंढ के लाएंगे। अब तो एक महीने की सरकार है। अगर ये सोचते हैं कि हमारे हमें डरा लेंगे, दहशत कर देंगे, गुंडागर्दी कर देंगे, हमें कह रहे हैं कि राजनीति, अरे भाई तुम लोगों ने यहाँ ये है शमशान घाट बना दिया तुम लोगों ने। इतना डरने वाले लोग नहीं है हम। हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो है मौतें जो हो रही हैं, ये एक साजिश है, ये षड्यंत्र है। यहाँ पे माफिया जो है सरकार के संरक्षण में पनपा है। हम बहुत देर से, सालों साल से जो है हम बोल रहे हैं कि अरे भाई यहाँ पे रेत माफिया जो है बंदूकें लेके चल रहा है, रेत माफिया बंदूकें लेके चल रहा है, यहाँ पे जो है हथियार लेके चल रहे हैं, ट्रैक्टर वाले हथियार लेके चल रहे हैं, ट्रकों वाले हथियार लेके चल रहे हैं, सारा सोना इन्होंने लूट लिया। शराब माफिया 12 आदमी जो है यहाँ पे फैक्ट्री में जो है लोग जल के मर गए, तब इनको वो नहीं लगा। अब नहीं चलेगी, हर